क्या आप भी अपनी करवा चौथ की ड्रेस में फिट आना चाहती हैं और खूबसूरत दिखाई देना चाहती हैं? हर पर्सन चाहता है कि मैं करवा चौथ के दिन, हर लेडी चाहती है कि मैं खूबसूरत दिखाई दूं, अपनी मनपसंद ड्रेस पहनूं। अगर हाँ, तो आज का ये चैलेंज है आपके लिए। मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए करवा चौथ चैलेंज। अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कंप्लीटली इसको फॉलो किया, तो आप 3 दिन में अपना 5 kg वेट रिड्यूस कर अपनी मनपसंद ड्रेस में फिट आ सकते हैं। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जिसमें कार्ब्स नहीं है, फैट्स भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरे दिन भर भूखे रहना है। इसका मतलब ये है कि आपको पूरे दिन भर खाना भी है, आपकी स्किन भी करवा चौथ के दिन बहुत ज्यादा ग्लोइंग दिखने वाली है, आपका वेट भी रिड्यूस होने वाला है और आपको अपनी मनपसंद ड्रेस पहनने को भी मिलेगी। हेलो एवरीवन, आई एम निशा अरोड़ा, योर फिटनेस कोच एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में अपना 5 kg तक का वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज का ये चैलेंज आप लोगों के लिए है। अगर आपने एक्सेप्ट किया और इस चैलेंज को पूरी तरह निभा लिया ईमानदारी से, तो आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आज का ये डाइट प्लान है आप लोगों के लिए फ्रूट डाइट प्लान। फ्रूट डाइट प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वेट लॉस करने के लिए, मैंने बहुत सारे लोगों की कमेंट्स देखे हैं कि मैम हम लोग सारा दिन घर का बना खाना खाते हैं, हम मीठा भी नहीं खाते, हम तली भुनी चीजें भी नहीं खाते, फिर भी हमारा वेट क्यों नहीं रिड्यूस होता? क्योंकि आप प्लांट बेस्ड जो आइटम्स होती हैं, जो फूड आइटम्स होती हैं, उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड ही नहीं करते, उनको अपने डाइट में इंक्लूड ही नहीं करते, तो वेट कहां से रिड्यूस होगा? इसलिए मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए फ्रूट डाइट प्लान। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम फ्रूट्स खाकर वेट लॉस करना है तो हम ज्यादा महंगे फ्रूट्स नहीं खरीद सकते, बहुत मुश्किल आती है, हम मतलब पुअर फैमिली से हैं, तो कौन आपको कहता है कि महंगे फ्रूट्स खाके ही वेट लॉस करो? सस्ते फ्रूट्स खाके भी वेट लॉस किया जा सकता है। अगर आपकी इच्छा है वेट लॉस करने की, तो आप कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। तो आज का ये डाइट प्लान है उन सब लोगों के लिए जो कि करवा चौथ के लिए, करवा चौथ से पहले पहले अपना 5 kg वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। इस डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको जरूर देना चाहूंगी। सबसे पहली चीज, तो आपको इस डाइट प्लान के साथ पानी खूब सारा पीना है। दूसरा, आपको नींद अच्छी लेनी है। तीसरा, आपको सिर्फ आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करनी है, आपको कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी, सबसे बढ़िया चीज। और आपकी बॉडी के हर पार्ट से फैट जो है वो अच्छा खासा रिमूव होने वाला है। आपकी थाई से भी फैट जाएगा, हिप से भी जाएगा, टमी से भी जाएगा, इवन आपकी आर्म्स एंड आपके फेस से भी फैट जाएगा। तो एक ऐसा डाइट प्लान जिसमें आपको खर्चा भी नहीं करना, आपको दिन भर खाना भी है और आपका वेट भी रिड्यूस होगा। और आप सबसे बड़ी चीज इस डाइट प्लान की, आपकी स्किन 3-4 दिन में ही इतनी ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा और बेटर डाइट प्लान मुझे नहीं मिल सकता था। तो इस डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस दिन आप ये डाइट प्लान स्टार्ट करेंगे, मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आज से ही स्टार्ट करें, लेकिन जो लोग आज सामान खरीदना चाहते हैं वो खरीद लीजिए, कल से इसको स्टार्ट कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, कल आप इस डाइट प्लान को स्टार्ट करेंगे तो आज आपको अपना डिनर शाम को 7 बजे तक कंप्लीट कर लेना है, और अपने डिनर के 2 घंटे के बाद आपको 1 ग्लास वार्म वाटर में 1 नींबू ऐड करके लेना है। उसके बाद आपको सुबह नेक्स्ट डे जब आप डाइट प्लान को स्टार्ट करेंगे, आपको करनी है आधे घंटे की सिर्फ ब्रिस्क वॉक, और आपको कुछ भी नहीं करना। आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करके उसके बाद जब आप अपना दिन स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले सुबह उठते ही वार्म वाटर लेना है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूं कि आपको 2 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर लेना जरूरी होता है, इससे आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से क्लींजन होती है, बैड टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो आप 2 ग्लासेस वार्म वाटर लें, और हाँ, इन 3-4 दिनों में अपना वेट रेगुलर चेक करें, क्योंकि जब आप अपना वेट रोज चेक करेंगे, रोज 1 kg आपका वेट रिड्यूस होगा, तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे और आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि इस चैलेंज को तो मुझे कंप्लीट करना ही करना है। तो आप अपना वेट रोज चेक करेंगे, वेट चेक करने के बाद आप अपना दिन का स्टार्ट करें, आप वॉशरूम यूज करने के बाद अपना वेट चेक करें, क्योंकि खाली पेट वही वेट जो है एग्जैक्ट वेट होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी डाइट में लेना है नींबू पानी। आपने 2 ग्लास वार्म वाटर लिया, उसके बाद आपने वॉशरूम यूज किया, अपना वेट चेक किया, और अब आपको 1 ग्लास वार्म वाटर लेना है, जिसमें आपको 1/2 स्पून लेमन और 1/2 स्पून हनी का यूज करके आपको लेना है, और ये पानी आपको बैठ कर सिप सिप करके पीना है। देन उसके बाद आप करेंगे अपनी वॉक, और वॉक के बाद वहां से आने के 15 से 20 मिनट के बाद आपको लेने हैं एप्पल्स। एप्पल्स, आपने कहावत तो सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो ये कहावत 100% बिल्कुल सच है। एप्पल्स जो है वो फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं,
और कैलोरीज में लो होने की वजह से ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। और एप्पल्स खाने से आपको पूरा दिन भर ऐसा लगता है कि आपको भूख नहीं लग रही, आपका पेट भरा भरा रहता है। तो अगर आपके पास बिग साइज का एप्पल है तो आपको एक एप्पल खाना है, और अगर आपके पास स्मॉल साइज के एप्पल्स है तो आपको दो एप्पल खाने हैं। आप एप्पल्स को अच्छे से वॉश करें, इसके पील्स के साथ ही आप इसको खाएं, लेकिन वॉश करते टाइम अच्छे से इसकी वैक्स उतार लें ताकि आपकी बॉडी को किसी भी तरह का कोई हार्म ना हो। तो आपको या तो वन बिग साइज का एप्पल लेना है या टू स्मॉल साइज के एप्पल्स। आप इसको पीसेस में कट करके अच्छे से चबा चबा कर खाएं ताकि इसका फाइबर आपकी बॉडी में अच्छे से ऑब्जर्व हो और आपको वेट लॉस जर्नी में अच्छी खासी हेल्प करे। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने हर मील में कम से कम 2.5 घंटे का गैप रखना है। जी हाँ, 2.5 घंटे का गैप, यानी इट मींस अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया है सुबह 8 बजे तो आपको अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो है वो लेना है 10:30 बजे। तो 10:30 बजे आपको अपनी डाइट में लेने हैं 2 ऑरेंजेस, लेकिन 8:30 से 10:30 बजे के बीच में आप ध्यान रखें कि आपको खूब सारा पानी भी पीना है। 2 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस जो है वो विटामिन सी का बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स माने जाते हैं। एक ऑरेंज में 3.14 ग्राम फाइबर पाया जाता है, और विटामिन सी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए और आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप अपनी कमर को कमरा से कमर वापस बनाना चाहते हैं, आप स्लिम कमर चाहते हैं, तो आपको ऑरेंजेस जरूर और जरूर ऐड करने हैं। बट हाँ, अगर आपको इस सीजन में ऑरेंजेस अवेलेबल नहीं हो, वैसे तो ऑरेंजेस मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको अवेलेबल नहीं हो तो आप 2 मौसम्बी भी ले सकते हैं। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जूस नहीं लेना, आपको फ्रूट्स ही लेने हैं प्रॉपर फाइबर के साथ। क्योंकि जब हम जूस लेते हैं तो हमारे जो फ्रूट्स हैं जो हम खा रहे हैं उनका फाइबर हम निकाल देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है सिर्फ जूस। तो आपको क्या करना है, आपको ये 2 ऑरेंजेस पील करके ही खाने हैं। देन अगेन जो नेक्स्ट मील की बारी आएगी वो फिर से 2 से 2.5 घंटे के बाद ही आपको लेना, और इसके बीच में आपको पीना है खूब सारा पानी। अब आपका थर्ड मील रहेगा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आपकी बॉडी को काफी अच्छा हाइड्रेट करता है, और वेट लॉस जर्नी के लिए हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है तो आपका वेट अच्छा खासा रिड्यूस होता है। याद रखिए, आपने हमेशा सुना होगा वेट लॉस के लिए पाइनएप्पल का नाम लिया जाता है कि अगर हम खाली पेट पाइनएप्पल खाते हैं तो हमारा वेट अच्छा खासा रिड्यूस होता है। तो आपका थर्ड मील जो आपका लंच रहेगा उसमें आपको लेने हैं पाइनएप्पल। आपको 1 बोल पाइनएप्पल का लेना है और इसको च्यू करके अच्छे से चबा चबा कर आपको खाना है। अब बारी आती है आपकी इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स में भी आपको कुछ ज्यादा महंगे फ्रूट्स नहीं लेने, ऐसा कुछ नहीं करना। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि इवनिंग स्नैक्स में आपको अपने फ्रूट के साथ लेनी है 1 कप ग्रीन टी। जी हाँ, इवनिंग स्नैक्स आपका जो रहेगा उसमें रहेंगे आपके 2 अमरूद, मीडियम साइज का आप 2 अमरूद ले लें, उसको पीसेस में कट करें, और आपको इसके साथ लेनी है ग्रीन टी। वेरी फर्स्ट डे आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी फ्रूट पे। तो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन जब आपकी स्किन ग्लोइंग होगी आफ्टर 3 और 4 डेज, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया। वेरी फर्स्ट डे आपको लगेगा थोड़ा सा कि मैंने नमक नहीं खाया, हल्की सी वीकनेस लगेगी। इसीलिए मैंने इस डाइट प्लान के साथ आपको एक्सरसाइज नहीं दी है, मैंने बोला है सिर्फ और सिर्फ ब्रिस्क वॉक, और सिर्फ और सिर्फ ब्रिस्क वॉक से ही आप 5 किलो गारंटीड वेट लॉस करेंगे, और अपने ही रिजल्ट्स इस कमेंट बॉक्स में, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे देने वाले हैं। तो आपको लेने हैं 2 अमरूद, और वो आपको लेने हैं किसके साथ, ग्रीन टी के साथ। उसके 2 घंटे के बाद यानी आपका लास्ट मील, लास्ट मील में आप लेने वाले हैं 1 बोल ऑफ पपाया। पपाया सुपर फूड माना जाता है वेट लॉस के लिए। जब भी वेट लॉस की बात आती है, आप कोई भी वीडियो खोल के देखें, चाहे वो यूट्यूब है या आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको हर जगह पपाया का नाम मिलेगा। क्योंकि पपाया में जो एंजाइम पाया जाता है पेपेन, ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा खासा इंप्रूव करता है। पूरे दिन भर में आपने जितने भी फ्रूट्स खाए, अगर इनमें से कोई भी फ्रूट आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो पपाया हेल्प करेगा आपके जो आपने पूरे दिन भर में खाया उसको डाइजेस्ट करने में, और ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है। विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसकी वजह से आपकी बॉडी में जाएंगे और आपको बहुत अच्छा वेट लॉस जर्नी में रिजल्ट देने वाले हैं। तो आपको अपने डिनर में तकरीबन जो कि आपको 7 बजे करना है, ये फिक्स रहेगा कि आपको 7 बजे डिनर करना है, और आप फुल प्लेट ऑफ पपाया, आपको जितनी भूख है आप उतना खा सकते हैं। पर हाँ, यहां पर भी आपको एक चीज का अच्छा खासा ध्यान रखना है
कि आपका पपाया कच्चा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल पका हुआ पपाया, जो मीठा पपाया होता है, वो ले सकते हैं। ये रहेगा आपका फुल डे का प्लान। रात को पपाया लेने के 1.5-2 घंटे के बाद आपको फिर से एक ग्लास लेना है वार्म वाटर, जिसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, आपको लेना है सिंपल वार्म वाटर। नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे नमक खाना है थोड़ा सा, क्योंकि पूरा दिन भर आप नमक नहीं खाएंगे तो हम नमक के बिना थोड़ा रहना मुश्किल होता है, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे फिर आपको सुबह उठना है, उठते ही आपको अगेन 2 ग्लास वार्म वाटर लेना है, वॉशरूम यूज करना है, सबसे पहले अपना वेट चेक करना है। एंड ये आप मुझसे लिखवा लीजिए, गारंटेड कि जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे कम से कम आपकी बॉडी का 1.5 किलो वेट चला जाएगा, 1.5 से 2 किलो आपका वेट चला जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे नमक खाना है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो नेक्स्ट डे जब आप एप्पल दोबारा खाना स्टार्ट करेंगे अपने ब्रेकफास्ट में, आप हल्का सा उस पे सेंधा नमक या काला नमक लगा सकते हैं। याद रखिए, आपको सेंधा नमक या काला नमक ही लगाना है, आपको व्हाइट सोल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इन 3 दिनों में। और जब भी आपको ऐसा फील हो कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे नमक खाना है, तो आप अपने जो मील है या तो मॉर्निंग वाला या फिर नाइट वाले पपाया पे हल्का सा काला नमक लगा सकते हैं, बाकी पूरा दिन आपको यूज नहीं करना है। तो आज है 31st, और अगर आप कल से ये प्लान स्टार्ट करते हैं और 3 दिन तक 1, 2 एंड 3 आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, तो करवा चौथ वाले दिन तक आपका 5 kg वेट रिड्यूस होगा। और ये चैलेंज आप अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये वेट लॉस आप कर लेंगे, और जो लोग पैशनेट होते हैं वो कैसे भी करके मैनेज करते हैं। अब बारी आती है 4th डे, करवा चौथ पे। करवा चौथ पे तो वैसे ही आप सब लोगों को भूखे रहना होता है, पूरे दिन कुछ खाना नहीं होता, तो इसके लिए भी सोल्यूशन है। आपको सुबह उठते ही जब आप सर्गी करते हो, आपको क्या लेने हैं, आपको रात को ही ड्राई फ्रूट्स भिगोकर रख देने हैं। उन ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम, 5 से 6 बादाम, 5 से 6 किशमिश, 2 अखरोट, 1 छुवारा, ये आपको रात को पानी में भिगोकर रखने हैं। और सुबह सर्गी करते टाइम आपको इनको चबा चबा कर खाना है 1 कप दूध के साथ। आप बहुत ज्यादा हैवी एकदम से ना खाएं उस दिन, क्योंकि 3 दिन आपने सिंपल फ्रूट डाइट प्लान पर आप रहे हैं। तो 4th डे में आपको ये कहूंगी कि आप हल्का खाएं, और उसके बाद पूरे दिन भर आपको पानी पीना है। और सर्गी के टाइम भी आप जब इवनिंग में पूजा करते हैं अपनी, तो उस टाइम भी आपको कोई ना कोई फ्रूट खाना है। हाँ, रात को आप लोग अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाके होटल में अच्छा खासा खाना एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपने 5 kg तक का वेट रिड्यूस कर लिया है। लेकिन वहां पर भी खाना खाते टाइम एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएं। ऐसा नहीं हो कि 3 दिन से नहीं खाया तो एकदम खा लें और अपने जो वजन कम किया उसको एकदम से वापस बढ़ा लें, ठीक है? तो 3 दिन में 5 kg वेट रिड्यूस करने के लिए हो जाइए तैयार। और इसी कमेंट बॉक्स में करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा कि आपका वेट कितना है। सबसे पहले विंग स्केल पे चढ़ेगा, एक अच्छी खासी आपके अंदर एनर्जी आने वाली है, पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, पूरी बॉडी क्लीन हो जाएगी, और स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी कि आपको लगेगा इससे बेटर डाइट प्लान कोई और नहीं था। तो अगर आपको मेरा ये डाइट प्लान अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। थैंक यू, हैप्पी करवा चौथ।